हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम मिलकर सॉल्व करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चंस। दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बाय स्टूडेंट्स, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आई हैव फॉर यू 4 डिफरेंट क्वेश्चंस and all of them have different options as their answer. Following the instructions and the study method that I gave you in previous videos, हम solve करेंगे इन true false not given के questions को। इनको start करने से पहले एक छोटी सी revision कर लेते हैं, that is कि हमें क्या procedure follow कर कर इन questions को solve करना है। So if you will look at the question that we have at hand today, यहाँ पर आपके लिए एक paragraph दिया हुआ है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के आगे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल फाइंड इन योर एक्चुअल टेस्ट। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शंस एक डिफरेंट वे में दिए हों, लेकिन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वहाँ पर यूजली आपके पैराग्राफ्स को नंबर कर दिया जाता है और आपके क्वेश्चन टाइप के आगे ही रेलिवेंट पैराग्राफ का ऑप्शन भी लिख दिया जाता है। सो यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैराग्राफ्स देयर। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को मार्क करेंगे। कीवर्ड्स, रिमेंबर कीवर्ड्स आर नॉट आर आंसर्स। हम कीवर्ड्स को मार्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर वापस आएंगे, क्वेश्चन का मीनिंग जानने की ज़रूरत करेंगे। क्वेश्चन के मीनिंग को जानने के बाद उस मीनिंग को अपने टेक्स्ट में ढूंढेंगे और जब वो टेक्स्ट से मैच करेगा तो ट्रू मार्क करेंगे, अगर वो टेक्स्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव होता है तो फॉल्स मार्क करेंगे। और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे टेक्स्ट से ज़्यादा पूछी हुई है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे टेक्स्ट में दी ही हुई नहीं है तो उसको हम मार्क करेंगे नॉट गिवन। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और कीवर्ड्स को मार्क करते हैं। पीपल डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन about the dangers to their health when they purchase unregulated weight gain pills. याद रखिए, जो हमारा क्वेश्चन है हो सकता है कि उसमें पैराफ्रेज कर कर हमें वर्ड्स लिखे हुए हों, तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की जगह आपको कोई और वर्ड ढूंढना पड़े, डेंजर्स की जगह कोई और वर्ड ढूंढना पड़े, बट रिमेंबर कि इनके सिनोनिम्स ही आपको टेक्स्ट में जाके ढूंढने हैं। सो लेट्स बिगिन रीडिंग द टेक्स्ट नाउ। While skin bleaching is a long-standing cosmetic staple across Sudan, a newer craze is sweeping the nation. This is irrelevant for us, इसको हम छोड़ देंगे। Many young women are turning to prescription pills in order to gain weight and hopefully gain the curvaceous figures they see as the standard of beauty. Again, we have not found our relevant text. Away from the regulation of trained pharmacists, fattening pills are illegally dispensed by the same small shops which sell topical bleaching creams and other popular beauty fixes. Again, this is irrelevant. Sold individually in small bags and emptied sweet containers, they are completely devoid of any information about medical risks. So friends, this last line जहाँ पर हमें अपना keyword मिला information, यहाँ पर हमें अपना आंसर भी मिल गया। मैंने आपके लिए पूरा टेक्स्ट इसलिए पढ़ा है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो हाउ विल यू गो अबाउट अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस। बट रिमेंबर, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको अपनी आईज़ को ट्रेन करना है कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड था इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में, तो आप सबसे पहले इसी पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, दैट इज इस फुल स्टॉप के बाद जो शुरू हो रहा है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग द होल पैराग्राफ। नाउ लेट्स सी कि जहाँ पर हमारी रेलिवेंट कीवर्ड मेंशन्ड है, क्या उस लाइन का मीनिंग हमारे क्वेश्चन के साथ मैच करता है या नहीं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलग अलग इन दवाइयों को बेचा जाता है छोटे बैग्स में, स्वीट कंटेनर्स में, एंड दे आर कम्प्लीटली डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है कि लोगों को इन कंटेनर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. सो दे आर कम्प्लीटली डिवॉइड. यहाँ पर भी हमारे पास सेम लाइन है जो कह रही है कि पीपल डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डेंजर्स. मेडिकल रिस्क्स एंड डेंजर्स, दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर. सो दिस इज द आंसर वी वर लुकिंग फॉर. एंड यू कैन सी कि हमारे टेक्स्ट में मेंशन्ड है कि इन कंटेनर्स पर और बैग्स में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है. उसी तरह हमारे क्वेश्चन में भी सेम फैक्ट मेंशन्ड है कि लोगों को इन दवाइयों को खरीदते समय कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और ये पूरी इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड है. सो हमारा आंसर हुआ ट्रू. सो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड सी कि दोबारा से इस टेक्निक को यूज़ कर कर हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2. यू कैन टेक सम टाइम, पॉज द वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन. First of all, start marking the keywords. Since a large number of women in Sudan, large number, women, Sudan, not willing to reveal that they take the pills. The exact number of women using them is not known. Now take a moment and see कि इस question में क्या बोला गया है, किस meaning को interpret करने के लिए आप इसको पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन, बहुत ही बड़े तादाद में औरतें सूडान में, दे आर नॉट विलिंग, वो नहीं चाहती हैं ये रिवील करना कि वो पिल्स को कंज्यूम करती हैं. इस वजह से एग्जैक्ट नंबर ऑफ विमेन जो पिल्स को कंज्यूम कर रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड दीज कीवर्ड्स इन आवर टेक्स्ट. Large number, many women. It is difficult to estimate how many women in Sudan use these products to gain weight because they are reluctant to admit it. देखिए friends, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. Large number of women का synonym है many women in Sudan और first line में ही हमें अपना आंसर मिल गया. पहली ही line में ये कह रहे हैं कि it's very difficult to estimate the number of women that are using this product because many are reluctant to admit it. Reluctant to admit it is same as not willing to reveal that they take the pills. तो यहाँ पर just take a moment and try to figure out कि कैसे text को और question को एक दूसरे के against paraphrase किया गया है. बात एक ही चीज़ की हो रही है लेकिन उसी एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए दो अलग अलग वेज में फ्रेजेस को यूज़ किया जा रहा है. यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे एंड अप वेस्टिंग टाइम और मार्किंग द रॉन्ग आंसर्स. सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, पहली ही लाइन पढ़कर हमें अपना आंसर मिल गया एंड द आंसर इज ट्रू. You can take a moment and again look at this question and see how it has been solved. Now coming to our next question. Now remember friends, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक हैक बताया था कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के, यूजुअली उनमें सारे ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है. तो अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आपके पास टाइम कम बच जाता है तो रिमेंबर कि अगर आपके पिछले क्वेश्चंस ट्रू थे तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका अगला क्वेश्चन फॉल्स होगा या फिर नॉट गिवन होगा. एंड रिमेंबर, हमने कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट इन दीज क्वेश्चंस इज़ एक्चुअली 1 out of 3. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, लेट्स begin by marking our keywords. Promoting the clinical name of the pills. Okay, so clinical name of the pills, promoting. Remember, जब हम अपने keywords को mark कर रहे हैं, we have to be vigilant of their synonyms in the text as well. So promoting का भी synonym हम अपने text में ढूंढ सकते हैं. Promoting the clinical name of the pills helps the sellers to focus on the weight gaining aspects associated with them. इसका मतलब जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहे हैं। पिल्स का क्लिनिकल नेम प्रमोट करने से सेलर्स को एक एडवांटेज होता है, वो फोकस कर सकते हैं on the weight gaining aspects that are associated with the pills। मतलब कि अगर सेलर्स क्लिनिकल नेम के साथ पिल्स को प्रमोट करते हैं तो वो ज़्यादा ऑडियंस या फिर ज़्यादा यूज़र्स एंड कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं पिल्स की by focusing on their advantages which are achieved by consuming them। Now let's look at our question। सबसे पहले तो क्लिनिकल नेम ढूंढने की कोशिश करते हैं। Pills are often rebranded, given catchy street names, allude to their effects। Now obviously weight gaining aspects pills के effects हैं, तो ये हमने mark कर दिया। Neighbors shocked to chicken thighs, mama suspects। Now clinical name of the pills, ये हमारा keyword है जो क्वेश्चन में भी used है। So let's read this line। Pills are often rebranded, given catchy street names। देखिए फ्रेंड्स, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही लाइन में इन्होंने बता दिया है कि जो सेलर्स हैं दे रीब्रांड द पिल्स, दे गिव देम कैची स्ट्रीट नेम्स। और हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सेलर्स एक्चुअली क्लिनिकल नेम से पिल्स को बेचते हैं ताकि वो ज़्यादा बिकें। तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन में और हमारे टेक्स्ट में कॉन्ट्रडिक्शन है और हमें अपना आंसर मिल गया है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले ही दो लाइंस में कीवर्ड्स को यूज़ कर हमने रेलिवेंट टेक्स्ट को मार्क कर लिया और हमें अपना आंसर मिल गया। नाउ लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पैराग्राफ 3, सो टेक अ लुक एट इट अगेन अबव। नाउ अपने टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम अपने कीवर्ड्स को मार्क कर लेते हैं। दोज सेलिंग द पिल्स, मतलब के सेलर्स, दोज सेलिंग द पिल्स आर मेकिंग मोर मनी ऑन देम दैन अदर टाइप्स ऑफ पिल्स। इसका मतलब कि जो वेट गेनिंग पिल्स हैं उनको बेचकर सेलर्स ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं कंपेयर टू अदर पिल्स। सो दोज सेलिंग द पिल्स, दोज का मतलब है सेलर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स होते हैं उनको पैराफ्रेज करना सबसे आसान होता है, तो यहाँ पर इन्होंने सेलर को दोज लिख दिया। वी हैव टू बी विजिलेंट ऑफ इट। दोज सेलिंग द पिल्स आर मेकिंग मोर मनी ऑन देम देन अदर टाइप्स ऑफ पिल्स। नाउ लेट्स गो बैक to our text and see if we can spot these words and match the meaning. So friends, this was our text. Pills are often rebranded, given catchy street names. We have already used this. From the neighbor's shock to chicken thighs, my mama suspects. Clinical name of pills are forgotten, replaced by promises of a bigger bottom, shapely thighs and a belly that will have your mother concerned that you might be pregnant. Okay, तो ये जो पूरा पार्ट है ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, इसको हम क्रॉस आउट कर देते हैं। वी डोंट हैव टू कम बैक टू इट। टैबलेट्स रेंज फ्रॉम स्टैंडर्ड एपेटाइट स्टिमुलेंट्स टू एलर्जी मेडिसिन्स कंटेनिंग द स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिजोन। द साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग कॉर्टिजोन आर नाउ अ कैश काउ फॉर पिल पेडलर्स। नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर, पिल पेडलर्स, पिल पेडलर्स आर एक्चुअली द सेलर्स ऑफ दीज पिल्स एंड हमारे क्वेश्चन में इसको प्रोनाउन यूज कर एक्सप्रेस किया गया था, दोज सेलिंग द पिल्स। सो वी विल मार्क पिल पेडलर्स। द साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग कॉर्टिजोन आर नाउ अ कैश काउ। नाउ हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आर सेलर्स मेकिंग मोर मनी बाय सेलिंग दीज पिल्स। यहाँ पर उसके लिए एक ईडियम को यूज़ किया गया है, कैश काउ। कैश काउ का मतलब होता है वो गाय जिसको बेचकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके दादाजी के घर पे या आपके गांव में आपके घर में कोई ऐसी गाय है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो उसको हम बोलेंगे कैश काउ। उसी तरह ये जो पिल्स हैं वो सेलर्स के लिए कैश काउ बन गई हैं। The side effects of taking cortisone are now a cash cow for pill peddlers. It is known to slow the metabolism, increase appetite, trigger water retention and create extra deposits of fat around the abdomen and face. देखिए friends, एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में नहीं है, हम मार्क करेंगे नॉट गिवन। लेकिन अभी मैंने आपसे बोला था कि कैश काउ का मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसी बात को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने आपके साथ एक टेस्ट किया है। कैश काउ को पढ़कर हमें ऐसा ज़रूर लगेगा कि हमारे टेक्स्ट में और हमारे क्वेश्चन में सेम बात ही तो बोली गई है कि इन पिल पेडलर्स के लिए ये पिल्स एक कैश काउ है। नहीं, यहाँ पर देखिए, द साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग कॉर्टिजोन आर नाउ अ कैश काउ फॉर पिल पेडलर्स। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि जो पिल्स हैं उनको बेचकर पिल पेडलर्स या सेलर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो इन पिल्स को खाने से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके पीछे लोग भागते हैं और इस वजह से इन पिल्स को ख़रीदते हैं। दोनों ही बातों में एक बहुत ही सटल डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। अगर आप इसको ट्रू मार्क कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर ट्रू मार्क नहीं करना है। हमारा आंसर है नॉट गिवन। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सेलर्स आर मेकिंग मोर मनी ऑन देम देन अदर टाइप्स ऑफ पिल्स। अदर टाइप्स ऑफ पिल्स को लेकर हमारे क्वेश्चन में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और कैश काउ की बात की गई है साइड इफ़ेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि पिल्स को बेचने के कॉन्टेक्स्ट में। सो दोनों ही बातों में बहुत छोटा सा फ़र्क है, लेकिन आपने इस फ़र्क को याद रखना है और सही आंसर को मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है नॉट गिवन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट सॉल्विंग योर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। याद रखिए कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपने अपने आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ मार्क करके आना है। और हैक को याद रखिए कि अक्सर आधे क्वेश्चंस ट्रू होते हैं, बाकी आधे फॉल्स होते हैं, एंड द रेस्ट 1/3 आर यूजली नॉट गिवन। द एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट यू ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसलिए ट्रू फॉल्स के साथ अक्सर एक ऑप्शन नॉट गिवन का भी ज़रूर होता है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टेस्ट। आई होप आप अपने घर पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू बिकम प्रोफिशिएंट इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज क्वेश्चंस टाइप्स, यू कैन लीव अ कॉमेंट अंडर द वीडियो एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव अ रिप्लाई. सो टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर एंड सी यू सून.